हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन फिजिक्स ऑन एटम आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एथॉर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद तो मोटिवेशनल गर्ड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा टॉपिक रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का है मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी इस क्वेश्चन में ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएंगे किन चीज़ों को याद रखना है क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए तो ध्यान रखिए हमें बोर्स ने कैलकुलेट किया था अपने पॉस्टुलेट के थ्रू रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट तो हम उसका पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं ये जो मैंने चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं इनको मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ ये आपको डायरेक्ट मेमोराइज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है तो देखिए बोर्स ने अपने पॉस्टुलेट में फर्स्ट एंड सेकेंड पॉस्टुलेट के थ्रू रेडियस दिया था ऑर्बिट के लिए ठीक है तो जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो रेडियस क्या होगा ई e नॉट ठीक, e -E ठीक है ये एप्स नॉट है हमारा एन एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर ठीक है ये वैल्यू जो है आप याद रखिए ठीक है बस एक भी याद कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा e नॉट इन स्क्वेयर इट स्क्वायर पाई एम ई स्क्वेयर ओके ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है पाई तो हमें कांस्टेंट है 3.14 पॉइंट वन फोर एन हमारा ऑबिट है एनेथॉरबिट एच प्लान कॉन्स्टेंट है यहाँ पर और ई नॉट जो है उसकी वैल्यू होती है 8.85 पॉइंट एट फाइव इंटू टेन रेस्टू पार माइनस ट्वेल्व ये आपने इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में पढ़ा होगा इसका कॉन्स्टेंट जैसे वन बाय फोर पाई नाट पूरा बट आप इस टर्म में लें तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ये लर्न कर लेते हैं तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो रेडियस है एनेथॉरबिट का दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन ठीक है मींस जो रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट का अगर एन वन पुट करें तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस अगर अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन मैं रिमूव करती हूँ तो मैं आर नॉट एक कॉन्स्टेंट ले लेती हूँ ठीक है तो अगर मेरा जो आर वन है फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस अगर वन स्क्वायर है मीन्स आर नॉट है तो आर टू जो होगा सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस वो फोर आर नॉट होगा देन नाइन आर नॉट होगा तो रेशियो जो है रेडिया में वन इज़ टू फोर इज़ टू नाइन का होगा तो ये चीज़ याद रखेंगे कि जो हमारे पास रेडियस का जो रेशो है दैट इज़ वन इज टू फोर इज़ टू नाइन मीन्स जो स्पेस है वो हमारा उसका जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं ऑर्बिटल का वो इक्वली स्पेस नहीं है इससे ये पता चला इसका कंक्लूजन ये हुआ तो याद रखेंगे आर नॉट आर आर एन आर नॉट एन स्क्वायर ठीक है आर नॉट जो है वट इज़ आर नॉट ये हम एन को छोड़ दें तो बाकी जो कॉन्स्टेंट बच जाता है वो मेरा क्या रहेगा आर नॉट रहेगा ठीक है पाई एम पाई एम ई स्क्वायर सिर्फ मैंने क्या निकाल दिया एन को निकाल दिया ठीक है तो आर नॉट एन स्क्वायर ये क्योंकि मेरा एक कॉन्स्टेंट रहेगा इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए सबकी वैल्यू लेकिन कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपको ये पूरी वैल्यू डायरेक्ट मेमोराइज रखनी है आर नॉट वो मैंने लिखा है यहाँ पर कितना होता है 5.29 पॉइंट टू नाइन इंटू टेन की पावर माइनस इलेवन मतलब जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको फाइव पॉइंट टू नाइन मिलेगा दैट यू कैन टेक इवन फाइव पॉइंट थ्री ठीक है ये हम कैलकुलेशन करते वक्त आर नॉट की वैल्यू ये लेंगे तो अगर मुझे फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करना है तो आर एन इजिकल्स टू आर नॉट इंटू वन स्क्वायर वन से मल्टीप्लाई कीजिए अगर सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करना है तो आर नॉट इंटू फोर थर्ड ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करना है तो आर नॉट इंटू नाइन एंड सो ऑन करके हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं तो आपको याद क्या रखना है फाइव पॉइंट थ्री इंटू टेन एज टू पावर माइनस इलेवन मीटर आर नॉट का वैल्यू याद नहीं रहता है बच्चों को इसलिए मैं बता रही हूँ किस तरह से आप इसको करेंगे और बस ये लिख के जैसे भी ये फॉर्मूला मेमोराइज कीजिए ई e नॉट यहाँ पर ई e नॉट जो है 8.85 पॉइंट एट फाइव है इन टेन टू पार माइनस ट्वेल्व ये सारी चीज़ें ना पुट करके एक बार दिखलाएंगे हम एंड देन उसके बाद डायरेक्ट हम वो आंसर लिख देंगे क्योंकि इसको सॉल्व पुट कर देंगे वाली और डायरेक्ट हम वो आंसर लिख सकते हैं ठीक है पाई 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन एज टूर माइनस थर्टी वन के जी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस टू पावर माइनस नाइनटीन कुलम तो ये सारी कॉन्सटेंट्स की वैल्यूज हैं. तो याद रखेंगे अब देखिए अगर आपको वेलोसिटी या आर एन याद हो गया ना रेडियस तो वेलोसिटी निकालने के लिए एक ट्रिक बता रही हूँ आपको सिर्फ इनको हम रेसिप्रोकल कर दीजिए और पाईएम हटा दीजिए तो ई स्क्वायर कर दीजिए रेसिप्रोकल कर दीजिए पाईएम हटाना है आपको ठीक है और ये जो है एन स्क्वायर एन स्क्वायर ये पावर रिमूव करके आगे टू लगा देना है ठीक है ये ट्रिक याद रखेंगे रेसिप्रोकल कीजिए ठीक है और ये बस पाई एम रिमूव करके हम क्या कर देंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर का जो पावर है उसको हमें जो ये पावर थी ये टू लगा देना है आगे पावर रिमूव करके लर्न करने का भी बता रही हूँ तो ये आपको याद हो जाएगा जब वी एन आर एन याद हो गया अब इससे भी कुछ कंक्लूजन कर लेते हैं कुछ बातें कर लेते हैं कि इससे हमें क्या पता चलेगा तो देखिए इससे हमें ये पता चला कि जो हमारा जो वी एन है वी एन वो प्रोपोर्शनल है वन अपॉन एन के यानी जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा वेलोसिटी उसकी कम होती जाएगी जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है यानी फर्स्ट ऑर्बिट में ज़्यादा फास्ट होगा देन सेकेंड ऑर्बिट में उससे कम होगा देन थर्ड ऑर्बिट में तो ये इसका कंक्लूज़न हुआ तो यहाँ पर भी मैं वी एन इजिकल्स टू वी नॉट बाई एन कर लेती हूँ एन को छोड़ के बाकी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू जो है वो मुझे पता है तो मैं पुट कर देती हूँ तो v नॉट यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा है 2.18 पॉइंट वन एट इंटू टेन की पावर सिक्स यहाँ पर हम कर सकते हैं 2.2 पॉइंट टू इंटू टेन की पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू ले सकते हैं जैसे इसकी मैंने राउंड ऑफ वैल्यू ली तो वो याद रखिए वो 1.8 नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा तो ध्यान रख लिए v नॉट 2.2 पॉइंट टू इंटू टेन इज टू पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड तो अब देख लीजिए कितना ईजी हो गया अगर हमें फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी चाहिए तो 2.2 इंटरेस्ट टू इंटरेंस सिक्स तो अपॉन वन सेकेंड ऑर्बिट के लिए चाहिए तो अपॉन टू थर्ड ऑर्बिट के लिए चाहिए तो थ्री से डिवाइड कीजिए फोर्थ ऑर्बिट के लिए चाहिए तो फोर से डिवाइड कीजिए क्योंकि ये एन स्क्वायर नहीं है एन है और इससे हमें ना एक कंक्लूजन और पता चल रहा है जो v नॉट है मेरा टू पॉइंट टू इंटू पावर सिक्स है और वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है मेरा थ्री इंटू टेंडिस टू पावर एट तो मैं ये इसको अगर मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी कंपेयर कर सकती हूँ तो ये जो मेरा ये जो वेलोसिटी है वेलोसिटी इन एनेथ ऑर्बिट वन बाय वन थर्टी सेवन टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट हम ये बोल सकते हैं कि जो ये जो वेलोसिटी है ये मेरी क्या है एन एनएथॉर्बिट के लिए वेलोसिटी वन बाय वन थर्टी टेवन थर्टी सेवन टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट ये कैसे आएगा आप इसको इसको हम सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो हम ये लिख सकते हैं इसे हम फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट भी बोलते हैं ठीक है तो ये इसका कंक्लूज़न हो गया बाकी आपको वेलासिटी के लिए जो है वो ये यूज़ करना है ठीक है वी नॉट अपॉन एन और रेडियस के लिए हमें ये यूज़ करना है जिसमें कि आर नॉट और वी नॉट की वैल्यू हमें डायरेक्टली याद होनी चाहिए ठीक है अब वेलोसिटी और रेडियस अगर पता चला है तो टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं टाइम पीरियड होता है टू पाई आर एन अपॉन वी एन सिर्फ आर एन और वी एन की जो वैल्यू निकाली है मैंने ये और ये फॉर्मूला जो किया है इसको पुट कर दीजिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड यूज किया है मैंने तो आपको टाइम पीरियड इतना मिल जाएगा तो इससे आपको ये पता चला कि जो टी एन है वो प्रोपोर्शनल होगा एन क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगा और उसी तरह से टाइम पीरियड कर रेसिप्रोकल कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा और वेलोसिटी जो है हमारा वन अपॉन एन क्यूब हो जाएगा ठीक है ये तो हो गया हाइड्रोजन एटम के लिए अगर कोई और एटम है तो हम रेडियस में z से डिवाइड कर देंगे बस ठीक है एटॉमिक नंबर जो उसका एटॉमिक रेडियाई है सॉरी एटॉमिक नंबर है उससे डिवाइड कीजिए तो वेलोसिटी में एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली फिर आप कर सकते हैं तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए हमारा हो गया ठीक है तो ये जो ट्रिक्स बताई हैं इनको ध्यान रख लीजिए उसी तरह से जब टी ये पुट करेंगे टी एन प्रपोर्शनल टू एन क्यूब होता है तो टी इजिकल्स टू टी नॉट एन क्यूब और टी नॉट की यानी फर्स्ट ऑर्बिट में टाइम पीरियड फर्स्ट ऑर्बिट में फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी ये सारी याद रखिए बहुत आसानी से 5.3 ये तो हो जाएगा 2.2 पॉइंट टू इंटू टेन टू पावर सिक्स ये 1.52 है इन टेन की पावर माइनस सिक्सटीन मीन्स फर्स्ट एन इजिकल्स टू वन में टाइम पीरियड और एन इजिकल्स टू वन में हमारी फ्रीक्वेंसी सिक्स पॉइंट फाइव सेवन इंटू टेन की पावर फिफ्टीन इसको रेसिप्रोकल कीजिएगा तो वो आएगा तो ये कुछ वैल्यूज को बार बार प्रैक्टिस करके आपके क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे अब देखिए रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इन वन टू थ्री लेवल तो हम क्या लगाएंगे बस इसके लिए वीनो पहले तो ये लिख देंगे वीनो आर एन क्या होता है फॉर्मूला लगा देंगे इसका पाई एम ई स्क्वायर और उसके बाद आपको बस ये फार्मूला यूज़ करना है ठीक है तो हमें आर वन निकालना है आर नॉट की वैल्यू फाइव पॉइंट थ्री इंटू टेन इस टू बार माइनस इलेवन इंटू वन स्क्वायेर कीजिए मैं ये पूरा नहीं सॉल्व कर रही हूँ तो मीटर में आर वन आ जाएगा आर टू निकालना है तो हम ये कर देंगे ठीक है और आर थ्री निकालना है तो हम क्या कर देंगे ये थ्री का स्क्वायर यानी इसको नाइन से मल्टीप्लाई कीजिए आपका आंसर आ जाएगा तो ये मेरा रेडियस निकल गया अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है वेलोसिटी तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया वी एन इजिकल्स टू वी नॉट एन सॉरी वी नॉट डिवाइडेड बाय एन ये बताया तो v1 निकालना है v0 की वैल्यू मैंने बोला 2.2 पॉइंट टू इंटू टेन एज टू पावर सिक्स यूज़ कीजिए अपॉन वन ठीक है और v मीटर पर सेकेंड यूनिट जरूर लगाइएगा v2 2.2 टू पॉइंट टू इंटू टेन एज टू पावर सिक्स अपॉन टू एंड v3 आपका हो जाएगा 2.2 पॉइंट टू इंटू टेन एज टू पावर सिक्स बाय थ्री मीटर पर सेकेंड तो इस तरह से आपकी क्या निकल गई वेलोसिटीज निकल गई रेडियस निकल गया बिना ज़्यादा कैलकुलेशन को किए इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है उसका ऑल्सो कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी है तो ऑर्बिटल पीरियड तो टी टी एन इजिकल्स टू एनत्थ ऑर्बिट में उसका रिवॉल्व uh, करेगा तो वो कितना टाइम पीरियड लेगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना लेगा टी नॉट एन क्यूब लेगा और टी नॉट की वैल्यू जो है वन पॉइंट तो टी वन कितना हो जाएगा वन पॉइंट फाइव टू इंटू टेन की पार माइनस सिक्सटीन इंटू वन क्यूब टी टू कितना हो जाएगा सेकेंड्स यूनिट जरूर, जरूर प्रॉपर लगाइएगा ठीक है टेन एस टू पावर माइनस सिक्सटीन इन टू क्यूब यानी एट से मल्टीप्लाई कर देंगे टी क्यूब इजिकल्स टू वन पॉइंट वन पॉइंट फाइव टू इंटू टेन एस्टार माइनस सिक्सटीन इंटू थ्री क्यूब यानी ट्वेंटी सेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पीरियड्स आ गया तो ये टाइम पीरियड हो गया ये फ्रीक्वेंसी हो गया अगर आपको फार्मूला अगर पूरा डिटेल में फार्मूला पूछते हैं तो भी ये याद रखिए जब आपको डेरीवेशन पूछा जाएगा अगर आपको रिजल्ट याद है तो आपके लिए डेरीवेशन भी बहुत ही ईजी हो जाएगी बाकी मैंने फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट का वो भी बता दिया तो अगर उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं बस ये याद रख लीजिए मेन चीज अब लास्ट में बस ये ध्यान रख लीजिए कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन टाइम पीरियड इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब एंड फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं वैसे तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि अब मुझे इस टॉपिक में कोई नया कंसेप्ट आपको सिखाना नहीं रहा अगर आप ये सारी बातें सीख चुके हैं एंड ये कांस्टेंट्स जो हैं वो मेमोराइज कर चुके हैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन कैसे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बहुत इजी हो जाएंगे तो ये जो भी रेड से लिखा है एक दो बार इसको अच्छे से लिख के जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए ये सब कुछ चीज़ आपके लिए बहुत यूजफुल है चलिए एनीवेज़ वट इज़ द वेलोसिटी ऑफ रेडियाई इन द वेलोसिटी रेशियो ऑफ बट फाइंड वट इज़ द रेशियो ऑफ द रेडियाई इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इन ऑर्बिट कॉरस्पॉन्ड टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम कुछ नहीं है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट दोनों में रेडियस एंड वेलोसिटी का रेशो क्या होगा ठीक है रेडियस का रेशो क्या होगा और वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा मतलब इसमें तो देखिए क्या है हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट हो गया ठीक है ये हमारे पास ये क्या है ये ग्राउंड स्टेट है ये हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है एंड दिस इज द सेकेंड सेकेंड एंड इजिकल्स टू थ्री सॉरी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ठीक है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो रेशो जो मुझे रेडियस का रेशो भी फाइन करना है और वेलोसिटी का रेशो भी फाइन करना है थर्ड से वन में ठीक है आ, आ, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट इनमें हमें रेशियो फाइंड करना है ठीक है या फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट बोल सकते हैं ठीक है तो हमें पता है आर एन क्या होता है आर नॉट एन स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम अदरवाइज बताया है डिवाइड बाई जेट कर देंगे आर एन इजिकल्स टू आर नॉट एंड स्क्वाके अब हमारे पास क्या है हमें किस में निकालना है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास क्या होगा इसका आर थ्री इजिकल्स टू आर नॉट इन टू थ्री और ग्राउंड स्टेट में क्या होगा हमारा ग्राउंड स्टेट में आर वन इजिकल्स टू आर नॉट इं टू वन स्क्वायर आर थ्री इज टू आर वन निकालना है जो कि आपका दोनों को डिवाइड करेंगे तो नाइन इज टू वन आ जाएगा अब देखिए नेक्स्ट वेलोसिटी का रेशो बोला ये हमने किसका रेशो निकाल दिया रेडियाई का रेशो रेडियाई रेशो ठीक है अब हमें मुझे वेलोसिटी का भी रेशो निकालना है वेलोसिटी का रेशो तो वी एन इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एन होता है तो वी थ्री मेरा वी नॉट अपॉन थ्री हो जाएगा वी नॉट की वैल्यू पुट करने नहीं है क्योंकि हमें रेशो लेना है और वो रेशो मेरा कैंसिल हो जाएगा और वी वन मेरा वी नॉट बाय वन हो जाएगा तो वी थ्री इज़ टू वी वन निकालना है मुझे तो इसको मैं सेटअप डिवाइड करूँगी तो मेरा वन इज़ टू थ्री आएगा क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो इस टाइप के क्वेश्चन या डायरेक्टली आपको रेडियस या velocity, या आ, या वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंगुलर मोमेंटम इनफैक्ट कुछ भी आपको बोला जाए तो वो हमें एनेट में निकाल सकते हैं अगर आपको आर एन वी एन पता है तो आप कुछ भी इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं तो आज का एपिसोड इसी क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन practice.